हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूजिक। मैं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड, और आज बात करेंगे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं गाइस, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जब मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब यही है कि ये नॉन क्योरेबल है, ये एक लाइफ लॉन्ग सिचुएशन है। जब भी हम कोई साइकोलॉजिकल बोलते हैं तो इट मीन्स उसको क्योर किया जा सकता है, लेकिन जब हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं तो इट मीन्स उसको क्योर नहीं किया जा सकता है। तो अब मैं आप लोगों को प्रूफ भी कर दूंगी, क्योंकि काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि सेंसरी इशूज़ पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो कैसे ख़त्म हो सकते हैं, आप खुद सोचिए। अभी तक तो सबको जनरल आइडिया है कि हमारे ब्रेन में ये जो हमारा CPU है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन जाती है, ये 5 senses के थ्रू इंफॉर्मेशन जाती है। तो ये 5 senses के थ्रू इंफॉर्मेशन जाती है, ब्रेन यहाँ से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर हम कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो जब ब्रेन अफेक्टेड है गाइस, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो पूरी 5 senses हैं, आइज, नोज, ओरल, और ये जो हमारे ईयर्स और स्किन, टच, ये जो हैं, ये जो हमारी 5 senses हैं, ये पूरी तरह से कनेक्टेड हैं हमारे ब्रेन के साथ। तो जब ब्रेन अफेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली हमारी 5 senses जो हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं। तो अब ये 5 senses अगर सही से काम नहीं करेंगी तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो अब क्या होगा, जिस तरह से एक नॉर्मल पर्सन चीज़ों को देखता है, समझता है, किसके थ्रू, सेंसेस के थ्रू, अब ये सेंसेस में प्रॉब्लम आ गई है, ये सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो ऑटिस्टिक बच्चा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को एक अलग ही तरीके में देखेगा, अजीब से तरीके में देखेगा, जो कि उसके लिए तो सही है, उसको जिस तरह से उसकी सेंसेस काम कर रही हैं वो उसी तरह से वर्ल्ड को देख रहा है, लेकिन वो एक नॉर्मल पर्सन को वो सब चीज़ें जो हैं वो अजीब लगती हैं। अब उसकी विजुअल सेंसरी इशू की प्रॉब्लम, तो समटाइम्स अब क्या हो रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चीज़ों को स्टेयर करे जा रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम नॉर्मल, एज ए नॉर्मल पर्सन, अगर हम ऑटिस्टिक नहीं हैं, अगर हम किसी चीज़ को, हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम किसी चीज़ को या लाइट को ज़्यादा टाइम तक स्टेयर कर सकें, हम तो 1 minute क्या, 1-2 second के लिए भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चे करते हैं। तो ये बिहेवियर दूसरों को अजीब लगता है, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चे के लिए बिहेवियर अजीब नहीं है। तो इसी तरह से जब सेंसेस में प्रॉब्लम होती है, सेंसेस सही से काम नहीं करती हैं, तो ऑटोमेटिकली बच्चे का बिहेवियर भी अजीब हो जाता है, हालांकि वो उसके लिए अजीब नहीं है, जो हमारी सोसाइटी है उसके लिए वो अजीब है। तो ये तो बात हम लोग साइड में रखते हैं। अब बात करते हैं कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर न्यूरोलॉजिकल है, उसे क्योर नहीं किया जा सकता है, तो फिर क्या करें, क्या सोल्यूशन है, क्या हमारे बच्चे के स्टीमिंग इश्यूज इसी तरह से रहेंगे, थ्रू आउट द लाइफ इसी तरह से रहेंगे? तो ऐसा नहीं है गाइस। इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ ये है कि बच्चे सेंसरी प्रोसेस, अपने सेंसरी बिहेवियर को, स्टीमिंग इश्यूज को मैनेज करना सीख जाते हैं, खुद से मैनेज करना सीख जाते हैं टाइम के साथ। तो मैं अर्नब का एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ गाइस। अर्नब में भी स्टीमिंग इश्यूज हैं, कई बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ मैंने आप लोगों को दिखाया भी है वीडियोस में, कई पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को दिखाया भी है, टैक्टाइल सेंसरी इशू, विजुअल सेंसरी इशू और बर्बल स्टीमिंग। तो इसमें से टैक्टाइल और विजुअल सेंसरी इशूज जो हैं, इनके सब के मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाए हैं, अर्नब में ये सेंसरी इशूज हैं। तो ये टैक्टाइल और जो विजुअल सेंसरी इश्यूज हैं, ये एज के साथ अर्नब में डाउन हो गए, यानी कि अगर बाहर वो करने की कोशिश भी करता है तो भी अगर मैं एक बार में ही बोलूँगी तो वो अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है, मींस उसके लिए इनको मास्क करना जो है वो बहुत ईजी है, वो उनको मैनेज करना सीख गया है। लेकिन बर्बल स्ट्रीमिंग को मैनेज करना अभी भी उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब भी मैं उसको अगर बाहर भी बोलती हूँ कि डिस्टर्ब हो रहा है तो वो पॉट बनाने की कोशिश करता है, कई बार मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया है, वो मैनेज करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार मैनेज हो भी नहीं पाता है, तो थोड़ा सा वो इरिटेट भी होता है। तो इस तरह से ऐसा क्यों है गाइस, बाकी के दो जो सेंसरी इश्यूज थे वो उसमें डाउन हो गए और ये जो बर्बल स्ट्रीमिंग है ये अभी तक बना हुआ है, ऐसा क्यों है गाइस? इसके दो रीज़न है, अर्नब को ऑडिटरी इश्यूज हैं, ओरल सीकिंग इशू है, और थर्ड रीज़न है कि अर्नब की लैंग्वेज फुली डेवलप नहीं है, जिसकी वजह से वो कई बार अपने आप को सेल्फ टॉक में और इकुलेलिया में एंगेज कर लेता है। तो ये सारे रीज़न हैं, एक बर्बल स्टीमिंग के पीछे आप देखो कितने सारे रीज़न हैं, इसीलिए उसको, इनको मैनेज करना जो है वो मुश्किल, बर्बल स्टीमिंग को मैनेज करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि जितना पहले था उससे कहीं ज़्यादा अभी वो इस चीज़ को समझता है कि बर्बल स्टीमिंग दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करती है, तो मुझे इसे कंट्रोल करना है।
कई बार अर्नब बर्बल स्टीमिंग तब करता है जब जैसे मैं बेड पे लेटी हूँ मुझे रेस्ट करना है तब वो बर्बल स्टीमिंग स्टार्ट कर देता है, या बाहर हम लोग कई बार शॉपिंग करने जाते हैं तब वो थोड़ा बर्बल स्टीमिंग स्टार्ट कर देता है, मुझे उसे बोलना पड़ता है कि अर्नब धीरे बोलो, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इस तरह से आप देखो कि जब फ्री टाइम होता है, जब उसके साथ मैं अवेलेबल नहीं हूँ उसके साथ मतलब एंगेज होने के लिए, कन्वर्सेशन करने के लिए, या उसके साथ कुछ भी टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं है उसके पास, तब वो बर्बल स्टीमिंग को तब भी करता है। तो स्टीमिंग बिहेवियर एक तो सेंसरी सीकिंग की वजह से भी स्टीमिंग बिहेवियर होता है, जब बच्चा बोर हो रहा है तब भी वो स्टीमिंग बिहेवियर करता है, जब बच्चा अनकंफर्टेबल सिचुएशन है में है तब भी वो स्टीमिंग बिहेवियर करता है। तो अब जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो, जैसे विजुअल सेंसरी की मैं बात करूं, जो आपको ये बोला जाता है कि अंधेरे में आप बच्चों को लाइट्स दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स दिखाएं, लाइट्स की एक्टिविटीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने की जो है वो हिदायत दी जाती है, सजेशन दिया जाता है। तो उससे क्या होता है गाइस, शॉर्ट टर्म के लिए विजुअल सीकिंग जो है वो कंट्रोल होती है। यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया है शॉर्ट टर्म के लिए। थोड़े टाइम के लिए बच्चे का जो सेंसरी इशू है वो रिड्यूस हो जाता है। आपको ये भी समटाइम्स आपने ये भी सुना होगा, आप लोगों को ये बोला जाता है कि अपने घर में आप एक सेंसरी रूम बनाइए जहाँ पे आप इस तरह का मतलब सेटअप बनाएंगे अंधेरे करके, जैसे ब्लिंकिंग लाइट आपने लगा दी, अगर बच्चे को टैक्टाइल है तो वहाँ पे टब में भर के आपने कुछ ग्रेन्स रख दिए, सैंड रख दी उसको खेलने के लिए। तो इसी तरह से और क्या हो सकता है, स्मेल, अगर उसको स्मेल का सेंसरी इशू है तो आपने वहाँ पे कुछ अगरबत्ती जला दी, या फिर ऐसी परफ्यूम भी मिलते हैं जिससे कमरे में बहुत अच्छी खुशबू फैली रहती है। तो इस तरह से आपको एक सेटअप बनाना होता है। तो उससे वो क्यों बोला जाता है आपको, वो इसीलिए बोला जाता है कि बार बार आपको बच्चे के साथ बैठना ना पड़े, जब भी बच्चे को सेंसरी सीकिंग का मन हो, उसको वो क्रेविंग हो, सेंसरी क्रेविंग हो, तो बच्चा खुद अपने आप उस रूम में जाए और अपनी जो सेंसरी नीड है उसको पूरा करें, यानी कि बच्चा धीरे धीरे अपने सेंसरी इश्यूज को खुद से मैनेज करना सीखे। यानी कि अब बच्चा बोल नहीं पाता है गाइज, कम्युनिकेशन कितना पुअर होता है, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो वो बोल भी नहीं पाएंगे कि मुझे हाँ कुछ स्टीमिंग बिहेवियर मेरे अंदर कुछ क्रेमिंग हो रही है, वो आपको कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएगा। तो जब आप सेंसरी रूम घर में बनाते हैं तो उसका ये बेनिफिट होता है, तो बच्चे को आपके साथ वो अगर कम्युनिकेट नहीं भी कर पा रहा है तो वो खुद उस सेंसरी रूम में जा सकता है। तो अगेन आपको सेंसरी रूम में बच्चे को कंटिन्यूसली नहीं बिठाना है, आपको उसे एक लिमिटेड टाइम के लिए ही बिठाना है, दिन में 3 बार आपने कर दिया इंटरवल में, सुबह दोपहर नाइट में सोने से पहले कर दिया, इस तरह से आप 3 बार उसको भेज दीजिए सेंसरी रूम में। तो इससे क्या होगा, फिक्सेशन नहीं होगी, बच्चा थोड़ा काम रहेगा, रिलैक्स रहेगा, सेंसरी इश्यूज डाउन रहेंगे, आप जो भी एक्टिविटीज बच्चे को सिखाएंगे ब्रेन फंक्शनिंग इंप्रूव होगी, तो बिहेवियर इश्यूज भी इतने ज्यादा नहीं होंगे। अब क्या होगा, इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे बच्चा खुद भी मैनेज करेगा। अब जब सेंसरी रूम में जाके बच्चा खुद को काम डाउन कर रहा है, ब्रेन फंक्शनिंग इंप्रूव हो रही है, बच्चा और भी कई नेचुरली तरीके से कई चीज़ों को सीख रहा है, वो बुक्स को पढ़ना सीख रहा है, पिक्चर्स से वो स्टोरी फ्रेम करना सीख रहा है, लैंग्वेज के ऊपर वर्क हो रहा है, तो धीरे धीरे उस सेंसरी रूम की जो नीड है वो भी ख़त्म होती जाती है, बच्चा नेचुरली एनवायरनमेंट से चीज़ों को अपनी जो सेंसरी नीड है उसको पूरा करने की कोशिश करता है। जैसे कि टैक्टाइल और विजुअल में सेम अर्नब के साथ यही होता है कि उसे अभी किसी भी ऐसी एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप नेचुरल वे में सेंसरी नीड को जो टैक्टाइल और विजुअल के लिए है उसको वो पूरा कर लेता है, तो उसको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वर्बल स्ट्रीमिंग में आप लोग, मैंने आप लोगों को बताया कि 3 रीज़न है, ऑडिटरी है, ओरल सीकिंग है और लैंग्वेज फुली डेवलप नहीं है, तो 3 रीज़न है यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, काफ़ी चीज़ें उसको, उसके लिए भी मैं उसको बैलून रखती हूँ घर पे, जब भी उसका मन होता है तो वो बैलून खुद निकाल के फुलाता भी है, च्युइंगम भी चबाता है, सेफ़ है, वो उसको स्वेलो नहीं करता है। अगर बच्चा स्वेलो नहीं करता है, अगर वो निगलता नहीं है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप मत दीजिए। तो इस तरह की कुछ ओरल सीकिंग के लिए मैं चीज़ें देती हूँ। काफ़ी ऐसे फूड आइटम्स भी आती हैं, च्यूई होती हैं चबाने के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। टॉयज़ भी मिलते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, च्यूई टॉय जो होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ऑडिटरी के लिए मैं दिन में म्यूज़िक भी यूज़ करती हूँ, खुद भी उसके साथ गाने की प्रैक्टिस करती हूँ, तो और लैंग्वेज के ऊपर अलग से वर्क होता है। तो इन तीनों चीज़ों से मैं बर्बल स्टीमिंग को मैनेज करती हूँ। तो अब आप देखो कि जब भी सेंसरी इशू की बात आती है, तो मैंने अभी देखा, आपने अर्नब का मेल्टडाउन देखा, पूरा वीडियो मैंने अपलोड किया है अभी लास्ट वीक में, नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया उस वीडियो पर आपका।
तो आपने देखा होगा, मैंने और भी वीडियो देखे फिर मेल्टडाउन के, जब मैंने वो वीडियो अपलोड किया तो मेरी फीड में यूट्यूब में मुझे सजेस्ट हुए, तो मैंने देखा मेल्टडाउन में भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, जबकि अर्नब एग्रेसिव नहीं होता है मेल्टडाउन में, वो सिंपली वर्बल स्ट्रीमिंग करता है और रोता रहता है, इमोशनल हो जाता है। तो यहाँ पर ये फ़र्क है, जब भी सेंसरी इश्यूज़ के बारे में सोच रहे हो गाइस, तो दो चीज़ों के बारे में सोचो कि जो भी सेंसरी इश्यू है वो वायलेंट बिहेवियर में चेंज ना हो। तो ये चीज़ें हैं, सेंसरी इशू कई बार अगर अच्छे से मैनेज नहीं होते हैं और पेरेंट्स के साथ बच्चे का कनेक्शन अगर अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है, ऐसी सिचुएशन में ही सेंसरी बिहेवियर जो हैं वो धीरे धीरे वायलेंट बिहेवियर में चेंज होने लगते हैं। तो इनके एग्जाम्पल मैंने कई बार देखे हैं, हालांकि यहाँ पे मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, तो ये चीज़ें मैंने पर्सनली देखी हैं गाइस। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिए, सेंसरी इश्यूज़ को इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो डेफिनेटली आप थेरेपी की जो एक्टिविटीज़ हैं वही कीजिए, लेकिन सेंसरी इशू को पूरी तरह से हमें इग्नोर नहीं करना है, किसी भी एज में इग्नोर नहीं करना है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। सो वर्बल स्ट्रीमिंग अभी भी अर्नब का गाइस अभी काफ़ी ज़्यादा वो भी रिड्यूस हुआ है। घर पे वो जिस तरह से पहले वो घर पे पूरा दिन बक 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 करते रहता था, साउंड्स निकालता था पूरा दिन, अभी वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। वो बीच में मैंने देखा है डे में जब भी वो फ्री होता है, जब कुछ भी नहीं है करने को, तो बीच में मैंने देखा है 2-3 बार वो वर्बल स्ट्रीमिंग स्टार्ट होती है और उसके बाद अपने आप वो ख़त्म हो जाती है। अपने आप तो ख़त्म नहीं होती है, ऐसे तो मैं नहीं बोलूँगी, जैसा कि मुझे आदत है जब भी मैं कोई भी काम कर रही हूँ, वर्बल स्ट्रीमिंग मोस्टली तभी होती है जब मैं कुछ किचन में काम कर रही, तो मुझे भी आदत पड़ गई है, जब भी आधा घंटा होता है 15-20 मिनट होते हैं तो मैं आवाज़ लगाती हूँ, अगर उसने सुन लिया हंजी कर दिए तो इट मीन्स वो लॉस्ट नहीं है, कुछ ना कुछ ठीक कर रहा है, लेकिन 2-3 बार बुलाने के बाद भी अगर वो नहीं सुन रहा है इसका मतलब वो बर्बर स्टीमिंग में लॉस्ट है। तो तब मैं जाके उसको ये नहीं बोलती हूँ कि तुम बक बक मत करो, मैं यही बोलती हूँ कि उठ के कुछ कर लो। तो मैं उसको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ देती हूँ, चाहे तुम कलरिंग कर लो, चाहे तुम ग्रेन से खेल लो, आटा देती हूँ आटे से खेल लो, कुछ बनाओ आटे से, क्रिएटिव बनाओ, शेप्स बनाओ, ये सब चीज़ें मैं उसको करने को देती हूँ, तो इस तरह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यही चीज़ आपको करनी है। ये भी चीज़ मैंने देखी है कि कोई भी सेंसरी बिहेवियर जब आप डायरेक्टली रोकने की कोशिश करते हैं वो और ज़्यादा बढ़ता है। तो ये चीज़ मेरे लिए इतनी ज़्यादा टेंशन वाली हो गई भी कि वो इतना समटाइम्स जब वेदर चेंज होता है, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा स्टार्ट होती है तब भी सेंसरी इशूज़ आपने देखा है थोड़े बढ़ने लग जाते हैं। तो जब आप स्ट्रिक्टली उसको बोलते हैं बक बक मत करो, मेरे हेड में पेन हो रहा है, चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, नहीं होते हैं गाइज, उनके लिए उसको कंट्रोल करना और मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैं और मेरे हस्बैंड इस चीज़ को पूरी तरह से समझ चुके हैं कि अगर उसको हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे कि तुम बर्बर स्ट्रीमिंग मत करो, बक बक मत करो, हेड में पेन हो रहा है, चुप हो जाओ, तो वो उसके लिए और ज़्यादा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाती है और वो इरिटेट होता है फिर कि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है और ये लोग मुझे चुप रहने को बोल रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने सीखी है, अभी मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो तो सीधा उसको बोलते हैं जाओ मेरे लिए पानी लेके आ जाओ, पापा को पानी पीना, जाओ पानी लेके आ जाओ, उसको वो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ दे देते हैं, कुछ काम करने के लिए दे देते हैं, उससे क्या होता है ना वो रिदम टूट जाता है। वो जो आपने देखा है वर्बल स्ट्रीमिंग में बच्चे एक रिदम पकड़ लेते हैं, या तो वो कोई फ्रेज है उसको रिपीट करते करते रहेंगे, या फिर हिक्स करेंगे, अजीब सी हमिंग की आवाज़ निकालेंगे, वो रिदम बना होता है। तो वो रिदम बेस्ट तरीका डिस्ट्रैक्ट करके ही वो रिदम टूटता है और बच्चे को पता भी नहीं चलता है कि मुझे डिस्ट्रैक्ट किया गया है वर्बल स्ट्रीमिंग के लिए। तो जो भी सेंसरी इशू है उसमें आपको डिस्ट्रैक्ट ही करना है। डिस्ट्रैक्ट किससे करना है, आप या तो बच्चा कमांड फॉलो करता है तो कुछ काम करने के लिए उसको दे दो, कोई कमांड उसको दे दो, या फिर कुछ एक्टिविटी करने को दे दो। ये हैबिट डालना भी बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट करना सीखे। फिर कलरिंग करने के लिए आप देते हो उसको, तो डोंट एक्सपेक्ट कि वो बिल्कुल सही से कलरिंग करे। तो मैंने भी जब कलरिंग स्टार्ट की ना गाइज, मेरे पास वो बुक्स हैं नहीं, जब वो कलरिंग करता था ना स्टार्टिंग में, मैंने सोचा कि उसको मैं इन तरीकों से डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, जब कलरिंग करेगा तो पूरे पेज में कलरिंग हो जाएगी और वो जो पिक्चर बनी हुई है, आउटलाइन बना हुआ है, वो आपको कहीं नहीं दिखेगी, पूरा गोबर की तरह वो कलर कर देता था। तो कुछ नहीं बोलना है, इट्स ओके, कर दिया तो कर दिया, हाँ आपकी कमांड फॉलो की उसने, कि उसने कलर कर दिया। फिर धीरे धीरे मैंने थोड़ा थोड़ा इंटरफेयर करने की कोशिश की और धीरे धीरे उसको आउटलाइन में कलर करना सिखाया, तो अभी मैं इंडिपेंडेंटली भी उसको देती हूँ तो वो ऑलमोस्ट ही कलर करता है। तो इन चीज़ों के ऊपर मत जाइए कि बच्चा परफेक्टली कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस मुझे डिस्ट्रैक्ट करना है, बस वही चीज़ करनी है।
हाँ, इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ मुझे कोई कमांड दी गई, मैंने फॉलो कर दी धीरे धीरे, फिर बाद में आप थोड़ा इंटरफेयर करके उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश कीजिए। तो ये कुछ एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया गाइस। और अभी टाइम है आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी स्टोरी बुक शेयर करने का गाइस। पंचतंत्र की जो स्टोरीज हैं वही ये बुक्स हैं। पंचतंत्र स्टोरीज जो होती हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं। इनमें जनरली लाइफ के लेसन्स होते हैं, बच्चे का करेक्टर बिल्डिंग, बच्चे का जो एक लीडिंग क्वालिटी, लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं कई बार, तो ऐसी एक लाइफ लेसन जो होते हैं वही जो हैं उसी से रिलेटेड ये स्टोरीज़ होती हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। तो अभी मैं आपको इनका फुल रिव्यू देती हूँ। तो गाइज ये 10 स्टोरी बुक हैं, इनको आप एक एक करके भी सिंगल भी परचेज कर सकते हो और 10 बुक्स का कॉम्बो भी परचेज कर सकते हो। लगभग 75 रुपीज़ में आई थिंक इस तरह से वन बुक आप लोगों को मिल जाती है। तो अगर वन परचेज करना चाहते हैं तो वन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कॉम्बो भी परचेज कर सकते हैं। स्टोरी बुक की क्या अहमियत है ये मैं पास्ट के कई वीडियोज़ में आप लोगों को बता चुकी हूँ, और स्टोरीज़ को किस तरह से स्टोरी बुक को लैंग्वेज के लिए यूज़ करना है 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे के लिए वो भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी स्टोरी बुक को आप लोगों के साथ शेयर की हैं, उनमें से कुछ वीडियो आपको एंड स्क्रीन में भी मिलेंगे, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। आप फाइंड आउट कीजिए कि मेरे बच्चे के लेवल के हिसाब से कौन सी स्टोरी बुक्स हैं, तो वो आप चूज कर सकते हो। एक बुक मैं आप लोगों को अंदर से दिखाती हूँ, ये स्टोरी बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, द फोर फ्रेंड्स। इसमें आप देख सकते हैं विजुअल बहुत ही अच्छे हैं, सब कुछ आपको पिक्चर के ज़रिए अपने बच्चे को एक्सप्लेन करना है। अगर वो रीडिंग नहीं कर सकता है तो आपको खुद एक्सप्लेन करना है, और विजुअल के ज़रिए आप बहुत अच्छे से स्टोरी को समझा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे को रीडिंग आती है या नहीं आती है, क्योंकि ये जो भी स्टोरी बुक्स होती हैं ये 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चों के लिए होती हैं। तो नॉर्मल बच्चों को भी तो रीडिंग नहीं आती है, तो उनको भी उनके पेरेंट्स ही गाइज एक्सप्लेन करते हैं, और आपको इन बुक्स को विजुअल के ज़रिए लैंग्वेज के लिए यूज़ करना है। तो ये जो पैराग्राफ्स हैं ये आपके लिए हैं, आपको पढ़ के बच्चे को एक्सप्लेन करना है, और हमें ऑटिस्टिक बच्चों के लिए इन बुक्स को क्यों यूज़ करना है, लैंग्वेज के लिए। तो पहले सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट वोकैबुलरी आप लोगों को बच्चे को सिखानी है, ये डियर है, ये लेक है, ये टर्टल है, तो इस तरह से आपको सब दिखाना है, ट्री है, घास है, ग्राउंड है, तो इस तरह से आपको दिखाना है, या जंगल है, ये चीज़ें आपको सिखानी है। फिर छोटे छोटे फ्रेजेस सिखाने हैं, यानी कि यहाँ पे जैसे दिया गया है इन ए फॉरेस्ट, तो ये क्या है, ये कौन सा प्लेस है, ये फॉरेस्ट प्लेस है, यानी कि फॉरेस्ट है। तो इस तरह से कैटेगराइजेशन भी करा करिए, जैसे आप मार्केट में ले जाते हो तो मार्केट प्लेस, हॉस्पिटल में ले जाते हो तो हॉस्पिटल प्लेस, आप कहीं की प्लेस में घूमने गए ये मुंबई प्लेस, इस तरह से बच्चा समझता है कि प्लेस क्या चीज़ है। तो पीछे ज़रूर आपको ये प्लेस वर्ड लगाना है, तो कौन सा प्लेस है, ये जंगल प्लेस है। जंगल प्लेस में कौन रहता है, एनिमल्स रहते हैं, ट्रीज होते हैं, घास होता है, प्लांट्स होते हैं, ये सब सिखाना है आपको बच्चे को। तो अब जो टर्टल क्रो एंड ए लिटल माउस, ये तीनों क्या हैं, फ्रेंड्स हैं। तो टर्टल क्रो और माउस फ्रेंड्स हैं, हाँ। फिर बच्चे को पूछेंगे आपका फ्रेंड कौन है, तो जिस बच्चे को वो सबसे ज़्यादा लाइक करता है उसको आपको बताना है, जैसे मैं अर्नम को बताती हूँ कि हाँ आपका फ्रेंड अच्छू है, तो ये सब भी क्या है, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के साथ क्या करते हैं, खेलते हैं, तो इस तरह से आपको बताना है। तो ये टर्टल और क्रो और माउस क्या करते थे, ये फ्रेंड्स थे और आपस में खेलते थे, खेल रहे थे। फिर वहाँ पे कौन आया, डियर आया। अब देखो डियर का फेस पूरा ऐसे लग रहा है जैसे वो थक गया है भागते भागते, देखो डियर रन कर रहा है, डियर क्या कर रहा है, डियर भाग रहा है। तो अब डियर इतना भाग रहा है कि वो थक गया, आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन से भी उसको दिखाएंगे, डियर थक गया और नीचे गिर गया, ये देखो डियर थक गया और नीचे थक के बैठ गया। फिर टर्टल ने क्या किया, ये सारी स्टोरी यहाँ पे लिखी हुई है इस तरह से कि टर्टल ने डियर को पानी पिलाया। तो इस तरह से आपको ये स्टोरी सिखानी है छोटे छोटे सेंटेंसेस में। पहले दो ही पेज पकड़िए, यहाँ पे से दो ही पेज पकड़िए, या एक ही पेज पकड़ना है, पहले उसको समझाओ और फिर देखो कि बच्चा उसको बोल पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो आप क्वेश्चन पूछ के कंफर्म करेंगे कि वो समझा या नहीं समझा, ये क्या है, ये जंगल है, ये कौन है, ये टर्टल है, क्रो है, माउस है। टर्टल क्रो और माउस आपस में क्या है, फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स क्या करते हैं, फ्रेंड्स खेलते हैं। फिर कौन आया,
फिर डियर आया, फिर डियर क्यों क्या हुआ, डियर भाग रहा था, डियर थक गया, फिर टर्टल ने क्या किया, टर्टल ने पानी पिलाया। तो इस तरह से ये फर्स्ट पेज को ही पहले लेना है, इसी को समझाना है, कंफर्म करो कि बच्चा समझा कि नहीं समझा। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन आंसरिंग के जरिए। तो धीरे धीरे फिर बच्चा ब्रीफिंग भी करेगा, ये जंगल है, ये फ्रेंड्स हैं, फिर यहाँ डियर आया, तो इस तरह से आपको सिखाना है। तो ये मैं कई बार पहले भी आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। तो इस बुक के मुझे विजुअल बहुत अच्छे लग रहे हैं, सब कुछ आपको कहीं से भी वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, यहाँ से बच्चे को रीडिंग की आप विजुअल से ही सब कुछ दिखा के समझा पाएंगे। तो ये मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है पंचतंत्रा स्टोरी बुक्स की, सब बुक्स में ऐसे ही है, विजुअल में सब चीज़ विजुअल के जरिए आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसी तरह से ये सारी 10 स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो गाइस, अगर आप लोग भी ये स्टोरी बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक एज यूजुअल आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और मेरी तरफ से पूरी रिकमेंडेड है गाइस, अभी तक जितनी भी स्टोरी बुक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं मुझे सबसे बढ़िया यही लग रही हैं, ईजी कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। और जितना एक 2 साल 3 साल के बच्चे का लेवल होता है उसी हिसाब से लैंग्वेज यूज़ की गई है, विजुअल भी बहुत अच्छे हैं। विजुअल में एक्चुअली पूरी तरह से सब कुछ एक्सप्लेन है, इसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर पाओगे ईजिली। तो लैंग्वेज के लिए मुझे ये वाली स्टोरी बुक्स जो हैं वो बेस्ट लग रही हैं, स्पेशली ऑटिस्टिक बच्चों के लिए। सो परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।